नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, इस 18 नवंबर 2017 को शनि अमावस्या है और एक दुर्लभ संयोग है, इसको शनिश्चरी अमावस्या भी कह सकते हैं। इस समय मूल नक्षत्र चल रहा है और 18 नवंबर को शनि ग्रह विशाखा नक्षत्र में होगा। इस दुर्लभ संयोग के लिए बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है। इस दिन यदि आप कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। जी हाँ, अपना जीवन बदलने के लिए आपको सिर्फ कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। शनि भगवान एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो यदि क्रोध हो जाएं तो काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन वह बड़ी ही आसानी से आपके पक्ष में आ भी जाते हैं। आपको कुछ छोटे छोटे उपाय मैं बताता हूँ, उसमें सिर्फ आपको आवश्यकता है सरसों के तेल और काले तिल की। जी हाँ, सरसों का तेल और काले तिल, ये दोनों चीज़ें भगवान शनि को बहुत प्रसन्न करती हैं। यह उनकी पूजा में मूल रूप से प्रयोग की जाती हैं। सरसों के तेल के उपाय के रूप में आप पहली रोटी बनाएं और उसे चुपड़कर गाय को दें, और दूसरी रोटी जब बनाएं तो उसे सरसों के तेल में चुपड़कर काले कुत्ते को डालें। जी हाँ, काले कुत्ते को। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह दूसरी रोटी हो और आप सरसों के तेल में इसे चुपड़ें और इसे काले कुत्ते को खिलाएं। यह उपाय बहुत ही कारगर होगा और इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। दूसरे उपाय के रूप में आपको कुछ काले तिल शुद्ध पानी में डालकर शिव भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। जी हाँ, शिव भगवान को 18 नवंबर शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। दूसरा उपाय, काले तिल, काली उड़द, इन दोनों को काले कपड़े में लपेटकर किसी गरीब को दान दें। ऐसा करने से भगवान शनि बहुत प्रसन्न होंगे और शनि अमावस्या पर इस दुर्लभ संयोग में आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपकी पैसे की तंगी दूर होगी और आपके घर से सभी प्रकार की व्याधियां खत्म हो जाएंगी। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसके लिए आप काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष जल में प्रवाह हो जाएंगे और आपका घर वास्तु दोषों से रहित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप शुद्ध दूध में काले तिल डालकर, यानी कि कच्चे दूध में काले तिल डालकर आप पीपल में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके बुरे दिन टल जाएंगे और आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आपके घर में सुख शांति और बरकत आएगी। इस शनिश्चरी अमावस्या को इन पांचों में से कोई एक उपाय आप जरूर करें। यह सभी उपाय शास्त्रों के अनुसार हैं। यदि आप शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो भी इसमें आपका कुछ खास लगना नहीं है, कुछ खास इसमें ना ही तो मेहनत करनी है, ना ही आपको इसमें कोई खास खर्चा करना है। दोस्तों, आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ करें और इसका रिजल्ट देखें। यह बहुत ही जबरदस्त उपाय हैं जो कुपित शनि भगवान को प्रसन्न करेंगे और आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई ज्ञानवर्धक बातें बताते रहेंगे। अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।